वेलकम बैक स्टूडेंट. कल हमने नाउन के काइंड्स पढ़े थे, काइंड्स ऑफ नाउन, प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन. आज हम उसके आगे के कुछ पार्ट्स जो हमारे रह गए थे वो हम पढ़ेंगे. कलेक्टिव नाउन फर्स्ट है, उसमें से थर्ड नंबर का है कलेक्टिव नाउन. अ कलेक्टिव नाउन इज अ कलेक्शन ऑफ सम सेम टाइप ऑफ पीपल और थिंग टेकन टूगेदर एंड कंसीडर्ड एज Having one entity, it is counted as a singular number. इसका मतलब है कि जो collective noun means जो भी समूह है किसी भी चीज का, चाहे वो पर हो same type का हो, same type के जो कोई लोग हो, कोई चीज हो, उनको जब हम एक साथ इकट्ठा करेंगे तो उसको हम collective noun बोलेंगे और वो as a singular बोला जाएगा. जैसे राहुल bought a bunch of grapes. ग्रेप्स में बहुत सारे छोटे छोटे ग्रेप्स और भी होते हैं, पर हम उसे एज अ बंच ऑफ ग्रेप्स बोलेंगे, अ बंच ऑफ ग्रेप्स. इसी तरह अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस हैज मेंबर. इस पूरे को इसमें 5 मेंबर्स हैं, पर हम इसको बैंड बोलेंगे. इन दिस सेंटेंस द वर्ड बंच एंड बैंड आर, ये क्लास गलत है, यहाँ पे बैंड आएगा, आर कलेक्टिव नाउन. इसी तरह हमारे पास कुछ कॉमन कलेक्टिव नाउन्स है, यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, ये आप देख सकते हैं. अ ट्रूप ऑफ डांसर, अ फ्लोक ऑफ शीप्स, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, अ क्रू ऑफ सेलर, अ बुके ऑफ फ्लावर, अ हर्ड ऑफ कैटल, अ कारावन ऑफ ट्रेवलर, अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स. जैसे कि यहाँ पे टीम वर्ड है, लाइब्रेरी वर्ड्स है, ये आपने सुने होंगे, कारावन है, ये सब जिसे हम कोई भी क्रिकेट की टीम है उसके या हॉकी की टीम है तो उसको हम एज अ टीम बोलेंगे, मतलब टीम रिप्रेजेंट करेंगे. ये नहीं बोलेंगे कि 12 लोगों की टीम है या 10 लोगों की टीम है, वो एक टीम कहलाएगी. इसी तरह बुक्स, जो लाइब्रेरी में बहुत सारी जहां बुक्स रखी रहती है किसी भी जगह पर, उसको हम लाइब्रेरी बोलेंगे. इसी तरह अ फ्लीट ऑफ शिप्स, अ बंच ऑफ कीज, चाबियों का जो गुच्छा होता है उसको हम बोलेंगे बंच. अ क्राउड ऑफ पीपल, जहां बहुत ज्यादा भीड़ हो उसको हम बोलेंगे क्राउड. एन आर्मी ऑफ सोल्जर, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट, जैसे एक क्लास में 30 या 40 स्टूडेंट होते हैं तो हम वहां पे उसको सभी स्टूडेंट का नाम लेके नहीं बोलेंगे, हम उसको एक क्लास बोलेंगे. अ पैक ऑफ कार्ड्स, अ जूरी ऑफ एजुकेटर्स, अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, जैसे स्टार्स है जहां पे तो हम उसको गैलेक्सी बोलेंगे, जहां बहुत सारे स्टार्स हम लोग देखते हैं ऊपर गैलेक्सी, उस चीज को हम बोलेंगे गैलेक्सी. नेक्स्ट है आपका, इसी तरह आप हिंदी में भी देख सकते हैं, कल हमने हिंदी में पढ़ा था जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये दोनों हमने कल हिंदी में पढ़े थे. आज अब हमने पढ़ा कलेक्टिव नाउन इंग्लिश में, उसी का ये हिंदी में होता है, उसको बोलते हैं समुदायवाचक संज्ञा. जिन शब्दों से व्यक्ति अथवा व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के समूह का बोध होता है, मतलब समूह का मीन्स झुंड का पता चलता है, तो वह उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं. आइए समुदायवाचक संज्ञा के कुछ और नामों को जानें, जैसे कक्षा, दल, टुकड़ी, लठर, गुच्छा, जोड़ा, भीड़, दस्ता, गड्डी आदि. जैसे कि हमने इंग्लिश में पढ़ा वही सेम चीज हिंदी में भी हम उसको समुदायवाचक बोलेंगे. ये भी एक समूह को ही, समूह के नाम के बारे में बताता है. अब नेक्स्ट है हमारा मटीरियल नाउन. Material noun is a thing extracted from the earth or used to make other thing. एक material, ये जो material noun है, जो पृथ्वी से निकाली गई कई चीजें हैं उनमें, या इसका उपयोग दूसरी कोई चीज बनाने के लिए किया जाता है, जो भी हमारी धरती पे मिली है या हमें उस धरती से प्राप्त हुई है उससे अगर हम कोई और चीज बना देते हैं या मिलती है हमें, तो वो material noun कहलाएगा. जैसे कॉटन है, मिल्क है, कोई भी और चीजें हैं उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. इन दिस सेंटेंस, जैसे यहाँ बोला है इसने आई ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क, तो यहाँ मिल्क जो हो जाएगा वो मटेरियल नाउन कहलाएगा. दिस मैन वियर अ कॉटन शर्ट. इन दिस सेंटेंस द वर्ड मिल्क एंड कॉटन आर मटेरियल नाउन, दे रिफर्स टू सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड फ्रॉम. मतलब ये जो चीजें हैं इनसे, जैसे दूध से हम और भी चीजें बनाते हैं या कॉटन से हम और भी शर्ट वगैरह कुछ भी हम बना सकते हैं, तो ये एक मटेरियल है, एक टाइप का मटेरियल है जो कि और चीजें बनाने के लिए हमें मटेरियल मिल रहा है इनसे, तो ये मटेरियल नाउन कहलाएंगे.
इसी तरह आपका हिंदी में मटेरियल नाउन में कुछ यहाँ पे कुछ मटेरियल नाउन भी दिए हैं यहाँ पे, जैसे गोल्ड, हनी, शुगर, पेपर, डायमंड, सिल्वर, वुड, ब्रास, कॉपर, चीज, प्लास्टिक, वाटर, वुल, ग्रेन्स, जिंक। ये सब ऐसी मटेरियल है जिनसे हम कुछ और भी आगे प्रोड्यूस करते हैं, और भी चीजें हम बना सकते हैं, तो इनको हम मटेरियल नाउन बोलेंगे। इसी तरह यहाँ पे मटेरियल नाउन हिंदी में हम देखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा, जिन शब्दों से किसी द्रव्य, पदार्थ, धातु आदि का बोध होता है, मींस किसी मटेरियल का पता चलता है, जैसे द्रव्य लिक्विड हो, चाहे कोई धातु हो, चाहे कोई पदार्थ हो, उसका पता चलता है, तो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। आइए द्रव्यवाचक संज्ञा के कुछ और नामों को जानते हैं, जैसे दूध, सोना, चांदी, कोयला, कागज आदि। ये सेम जैसे इंग्लिश में हमने पढ़ा, वैसे ही ये हिंदी में इसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब ये कुछ प्रैक्टिस टाइम है, ये यहाँ पे एक्सरसाइज है इंग्लिश की, हम देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन करेंगे। यहाँ पर है अ बॉय प्लग अ बंच ऑफ ग्रेप्स की क्लोथ्स, अ बंच ऑफ ग्रेप्स फ्रॉम द गार्डन। द एक्सप्लोरर हैड अ फ्लीट ऑफ 10 ships. द सूट ऑफ रूम बुक फॉर अस वॉज ह्यूज। जो भी आंसर्स है, मैं सिर्फ केवल उन दोनों में से आंसर्स ही बोलूंगी, तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे उसे। A gaggle of geese was swimming in the lake. Shubh ran up the flight of steps, means कूद कूद के सीढ़ियों से उतरना। We saw pride of lion resting near the pond, जो lion का जो शेरों का समूह जो था group। A carpenter made a beautiful chest of drawer, जो दराज हम बनवाते हैं या drawer जो बनवाते हैं, means कबर्ड जो बनवाते हैं उसको हम बोलेंगे चेस्ट ऑफ ड्रॉर। अ ट्रूप ऑफ डांसर वॉज इन्वाइटेड फ्रॉम अमेरिका, जो डांसर का जो ग्रुप होगा उसको हम ट्रूप ऑफ डांसर्स बोलेंगे। इस तरह यहाँ पे कुछ आपको मटेरियल नाउन लेने हैं, उनके सेंटेंस बनाने हैं। मैं आपको ये बता देती हूँ कुछ सेंटेंस, आप लोग से ध्यान से सुन लीजिए। जैसे वाटर हो गया, मिल्क हो गया, पेपर हो गया, हनी हो गया, कॉटन हो गया, ये कुछ वर्ड्स मैं आपको दे देती हूँ, या आप कोई भी वर्ड्स या मटेरियल नाउन यहाँ से लेके उनसे आप सेंटेंस बनाएंगे, वो अपने आप करेंगे आप। जैसे आपने वाटर लिया तो वाटर से सेंटेंस बना दिया, वी शुड ड्रिंक क्लीन वाटर। मिल्क ले लिया तो मिल्क से आपने बनाया, वी शुड ड्रिंक मिल्क एवरी डे। हनी आपने लिया तो हनी से आप बना सकते हैं, वी गेट हनी फ्रॉम द बी। नेक्स्ट हो गया कॉटन, We wear cotton shirt in summer. इस टाइप के आप छोटे छोटे सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। इसी तरह आपका अब नेक्स्ट हो जाता है आपका हिंदी में, इसी तरह आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? A name given to the condition, quality, feeling or thought that we can only think or feel but cannot touch is called abstract noun. Abstract noun वो होते हैं जैसे किसी भी चीज given to condition, means जो भी आपको condition दी गई है उसके according आप देखेंगे कि उसकी क्या quality है, क्या feel है उसका, और उसकी जो thought होगा मतलब सोच जो भी, we can only think or feel, उसके बारे में सिर्फ हम सोच सकते हैं या फिर feel कर सकते हैं, उसको हम touch नहीं कर सकते और उसको हम कुछ भी तोड़ मरोड़ नहीं सकते, वो जैसे फील कर सकते हो, तो उसको बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं भाववाचक संज्ञा, जो भाव का बताता हो, जो भाव के बारे में बताता हो। नेक्स्ट है इसी में आप रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, द लिली हैज अ लवली स्मेल, मतलब जो ये फूल के बारे में बता रहा है कि उसकी बहुत ही सुंदर खुशबू है, आप दूर से उसकी स्मेल को पता सूंघ सकते हैं, स्मेल ले सकते हैं, खुशबू को सूंघ सकते हैं, पर आप उसको स्मेल को टच नहीं कर सकते। इसी तरह हो जाएगा मीनू इज माय चाइल्डहुड फ्रेंड, मतलब वो मेरी बचपन की दोस्त है, चाइल्डहुड फ्रेंड है, तो चाइल्डहुड को आप बचपन को आप फील नहीं कर सकते, वो बता ही सकते कि वो बचपन की दोस्त है। इन दिस सेंटेंस वी द वर्ड स्मेल एंड चाइल्डहुड आर अब्स्ट्रैक्ट नाउन, दे रिफर टू द क्वालिटी और स्टेट ऑफ थिंग और अ पर्सन। वो क्वालिटी बता रहा है, वो स्टेट ऑफ पर्सन बता रहा है, एक थिंग बता रहा है, मींस कि उसके बारे में वो कब की फ्रेंड है, मींस बचपन की, तो इस तरीके से
भाव का पता चल रहा है तो उसको हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। इसी तरह कुछ अब्स्ट्रैक्ट नाउन की फीलिंग इमोशंस के बारे में यहाँ पे आपको बताया है। इमोशन फीलिंग जैसे हेटेड, लव, एंगर, प्राइड, सिंपैथी, पेन, हैप्पीनेस, सरप्राइज एक्सेट्रा, ये क्या है, फीलिंग्स है आपकी। नेम ऑफ वेरियस आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड प्रोफेशन, ये पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, बॉटनी, म्यूजिक, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, फार्मेसी, लिटरेचर एक्सेट्रा, ये सारे आपके, ये भी एक जो आपके वेरियस आर्ट्स के बारे में बता रहे हैं, ये नेम्स के बारे में उनके बता रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका क्वालिटी, ट्रूथ, सॉफ्टनेस, काइंडनेस, मतलब किसकी कैसी क्वालिटी है, कोई किसी पर्सन की, कोई जैसे हम बोलते हैं कि घमंडी है या बहुत अच्छा है, उदार है, बातचीत करने में बहुत ही नम्र है, उसको हम बोलेंगे क्वालिटी ऑफ अ पर्सन। जैसे ह्यूमिलिटी, विजडम, ब्रेवरी, ये सारे आपके क्वालिटीज आ जाएंगी। नेक्स्ट आ जाता है आपका स्टेट ऑफ कंडीशन, एडल्टहुड, स्लीप, डेथ, ब्यूटी, स्लेवरी, साउंडनेस, लेवलीनेस, हीट, अग्लीनेस एक्सेट्रा, ये सारे आपके कंडीशंस, स्टेट और कंडीशंस आते हैं। मींस आप उस टाइम पे कैसे सुंदर है, या एडल्टहुड मींस जवानी जैसे हम बोलेंगे, हीट, गर्म, ठंडा, ये सारे उस कंडीशन के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। इसी तरह हिंदी में आप इसको बोलोगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भाववाचक संज्ञा, इसको बोलोगे आप भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु के गुण, दोष, स्वभाव, स्थिति का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्यार, मित्र, भूखा, हंसना, बुढ़ापा, बचपन, सर्दी, गर्मी, दुख, सुख, मिठास, खुशी आदि। मतलब किसी भी दोष का, गुण का, अच्छा बुरा, स्वभाव का, स्थिति का, किस कंडीशन में वो है, उसका पता चलता है तो उसको हम भाववाचक संज्ञा बोलेंगे। अब यहाँ कुछ भाववाचक संज्ञा की रचना करके उन्होंने बताया है, जैसे कि कुछ शब्द मूल रूप से भाववाचक संज्ञा होते हैं, जैसे क्रोध, सत्य, क्षमा आदि। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य शब्द भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती हैं। मुख्य रूप से 5 प्रकार के भाववाचक संज्ञा बनाई जाती हैं। जो 5 प्रकार है, जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और क्रिया विशेषण से। जैसे जातिवाचक संज्ञा से आपने शिक्षक को हम क्या बोलेंगे, शिक्षक क्या देते हैं, हमें शिक्षा देते हैं, तो ये इसका भाव हो गया शिक्षक का। यहाँ बूढ़ा है, बूढ़ा का भाव क्या होगा, बुढ़ापा। बच्चा, बचपन। ईमानदार, ईमानदारी, ये इसके भाव हैं। आप, आपा। अहं, अहंकार। पराया, परायापन। निज, निजत्व। सफल, सफलता। वीर, वीरता। पढ़ाना, पढ़ाई, ये सारे भाववाचक संज्ञा कहलाएंगी। दौड़ना, दौड़। शीघ्र, शीघ्रता। बहुत, बहुतायत। गरीब, गरीबी। भूखा, भूख। हंसना, हंसी। थकान, थकावट। जल्दी, जल्दबाजी। दूर, दूरी, ये सारे आपके भाववाचक संज्ञा है। जो जातिवाचक संज्ञा इनसे कन्वर्ट करके भाववाचक संज्ञा, इसके इनकी भाववाचक संज्ञा क्या होंगी वो बताइए। गरीब का गरीबी होगी, वो भाव है उसका वो। इसी तरह एक्सरसाइज दी हुई है हिंदी की, जिसके अंदर ये सारे आपके कवर हो जाते हैं, संज्ञा के भेद, उनके नाम और भाववाचक संज्ञा के 5 उदाहरण दीजिए। तो हम ये वाला कर लेते हैं। सही उत्तर पर सही का, गलत पर गलत का चिन्ह लगाइए। व्यक्ति और वस्तु और स्थान के नाम को क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के मुख्य कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। इसी तरह डैश भाववाचक संज्ञा नहीं है। कौन सा नहीं है, सुंदर। सुंदर भाववाचक संज्ञा नहीं है। नेक्स्ट आपका गरीब विश्लेषण शब्द का भाववाचक क्या होगा, गरीब का होगा गरीबी। पशु, पक्षी, कीट, जानवर जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है, इनकी जाति बता रहा है वो, कि पशु, पक्षी, जी, कीट, जानवर। संज्ञा की आपको परिभाषा लिखनी है, ये आपको आगे मिल जाएगा, मैंने आपको पहले करवा दी थी ये। नेक्स्ट है आपका संज्ञा के कितने भेद होते हैं, उदाहरण उनके नाम लिखने हैं। फिर है आपका ताजमहल संगमरमर का बना है, तो ये क्या हो जाएगा,
इसके आपको क्या बतानी है, पहचान बतानी है, उसकी संज्ञा के भेद बताने की, कौन सा संज्ञा इसमें कहलाएगा। ताजमहल क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। भीम एक ताकतवर व्यक्ति है, ताकतवर यहाँ पे भाव बता रहा है उसका, तो भाववाचक हो जाएगा। हाथी झुंड में घूम रहे हैं, तो समुदाय वाचक हो जाएगा, समूह में घूम रहे हैं मतलब। इसी तरह ये है आपका सोना द्रव्य संज्ञा है, गलत और सही बताना है, तो ये आप लोग कर लीजिएगा, देख लीजिए इसको एक बार और आप लोग खुद इसको पढ़ के बताइए कि सही गलत यहाँ पे दिए हुए हैं। जवानी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, गलत। महात्मा गांधी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, सही। लाल किला जातिवाचक संज्ञा है, गलत। अंगूर का गुच्छा भाववाचक संज्ञा है, गलत। ये समुदायवाचक होगा आपका। फिलिप्स है, ये भाववाचक संज्ञा में बदलना है आपको इन्हें। ताजमहल बहुत, जैसे यहाँ पे दिया हुआ आपको हवा, तो हवा का हो जाएगा हवादार है। राज और किरण की मित्र सहारणीय है, तो मित्रता। हमें अपने माता पिता की सेवा, सेवक है यहाँ पे, तो सेवा का क्या हो जाएगा भाववाचक, सेवा करनी चाहिए। अमन एक साहसी लड़का है, साहस का हो जाएगा साहसी लड़का है, भाव बदल गया। परीक्षा में प्रथम आने पर कोमल डैश से नाच उठी, प्रसन्न है यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा प्रसन्नता। तो ये आपके यहाँ पे आपके हिंदी की एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट कर दी है, जो भाववाचक संज्ञा थी। इसी तरह अब हम इंग्लिश की जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारे बच्चे हैं, हम उसको एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। जैसे यहाँ पे जैसे हमने हिंदी में पढ़ा कि आपको नाउन दे रखे थे, अब आपको उसको भाववाचक में बदलना था, इसी तरह यहाँ पे आपको वर्ड्स दिए गए हैं, उनको आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बदलना है। पेशेंट का हो जाएगा पेशेंस, जेंटल का हो जाएगा जेंटलनेस, काइंड काइंडनेस, लेजी लेजीनेस, वाइज विजडम, क्लीन क्लीनिनेस, लॉयल लॉयल्टी, ऑनेस्ट ऑनेस्टी, नो नॉलेज, बिहेव बिहेवियर, लाफ लाफ्टर, स्ट्रॉन्ग का हो जाएगा स्ट्रेंथ, प्लीज का प्लेजर, थ्रस्टी का थ्रस्ट, स्पीक का स्पीकिंग। ये इनके भाव अब्स्ट्रैक्ट नाउन मैंने इसके आपको बता दिए हैं, वो आपको इस तरीके से लिखने हैं। और आपको इसी तरह आपको इससे समझ के आपको सारी वर्कशीट अपनी पूरी करनी है। और ये नाउन का जो आपका लेसन था, जो इसके काइंड से काइंड ऑफ नाउन आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। और आप लोग अच्छे से इसकी वर्कशीट करनी है। ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू।